आज की डेट है 1 जून, कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। सो वी विल सी व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ने के पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि लैटिस क्या होता है। ये लैटिस के बारे में मैंने बताया था, लैटिस पॉइंट्स बताया था और लैटिस क्या होता है ये सारी चीजें बताई थी। फिर से मैं बता रहा हूं कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। लैटिस पॉइंट्स मतलब दोज पॉइंट्स ओके विच आर यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से लैटिस पॉइंट्स होते हैं टू डायमेंशन में। दीज आर दी लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट जहां जहां होंगे वहां वहां एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया था। तो लैटिस पॉइंट्स मतलब लैटिस पॉइंट्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, द और द दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। और इस तरीके से टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में लैटिस पॉइंट्स दिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो लैटिस पॉइंट्स को मैंने थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स अरेंज है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ये भी मैंने बताया था, थ्री डायमेंशनल अरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स कॉल्ड स्पेस लैटिस। ओके, ये तीन डायमेंशनल में अरेंज कर दिया, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। इनको क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल अरे को स्पेस लैटिस। ये भी चीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने बताई थी, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, स्पेस लैटिस क्या होते हैं, जब हम स्टार्टिंग के सेकेंड या थर्ड लेक्चर्स में ये चीज आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी थी। ओके, सो ये हो गया लैटिस पॉइंट्स एंड स्पेस लैटिस। अब रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है? तो रेसिप्रोकल लैटिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस हैज गिवन बाय पीपी इवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया? व्हाट इज द नीड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है ओके और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, या ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वॉज गिवन बाय पीपी इवॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है ये चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो देखो ये जो है यूनिट सेल, ये सारी यूनिट सेल हमने पढ़ी थी। ओके, तो ये सारे यूनिट सेल्स हमने पढ़े थे। तो अब तक हमने जो भी यूनिट सेल्स पढ़े थे, जो भी क्रिस्टल्स पढ़े थे, उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लैटिस और रियल लैटिस। सो अब तक हमने जो भी यूनिट सेल पढ़े और जब तक अब तक हमने कोई भी क्रिस्टल्स पढ़े या जो भी लैटिसेस अब तक हमने पढ़े, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये सारे के सारे हमने जो भी लैटिसेस पढ़े वो क्या होते हैं? डायरेक्ट लैटिस, उनको रियल लैटिस बोलते हैं। जैसे अभी ये मान लो यूनिट सेल है, तो ये यूनिट सेल भी किसकी है? डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल है, रियल लैटिस की यूनिट सेल है। ये जो हमने पढ़े थे अभी तक, हमने जितने भी यूनिट सेल्स पढ़े वो सब डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल्स है, और अभी तक हमने जितने भी लैटिसेस, जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े वो सब डायरेक्ट लैटिसेस है। तो ये है एग्जाम्पल डायरेक्ट लैटिसेस का। ओके, जैसे रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, थ्री, थ्री का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/3। ओके, तो थ्री इज डायरेक्ट नंबर एंड 1/3 इज इट्स रेसिप्रोकल। वैसे ही यूनिट सेल भी होती है, डायरेक्ट यूनिट सेल और रेसिप्रोकल की यूनिट सेल होती है, और लैटिसेस भी होता है, डायरेक्ट लैटिस और एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस। सो अब तक हम जितने भी लैटिसेस और जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़े वो डायरेक्ट वाले थे, वो रियल लैटिसेस थे इस तरीके से। और ये जो यूनिट सेल है, अगर मान लो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें कितने प्लेन्स है? 6 प्लेन्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये प्लेन है, इसका मिलर इंडाइसेस HKL है, तो इसका पैरेलल प्लेन कौन सा है? ये वाला, इसका पैरेलल प्लेन है ये, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, उसी तरीके से ऊपर और नीचे वाले भी पैरेलल है, तो दीज आर दी पैरेलल प्लेन्स। इफ सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल प्लेन इज डी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये दो पैरेलल प्लेन्स है HKL, ये वाला और ये वाला, साइड वाले, ये साइड वाले दो पैरेलल प्लेन्स है, और इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है? डी HKL। HKL क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों के प्लेन के मिलर इंडाइसेस क्या है? HKL। तो दोनों की इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हुई? डी। और सबस्क्रिप्ट में मैंने HKL लिखा क्योंकि इन दोनों के मिलर इंडाइसेस HKL है, पैरेलल प्लेन के वजह से दोनों के मिलर इंडाइसेस सेम है HKL, और इन दोनों की स्पेसिंग है डी HKL। ओके, तो ये डायरेक्ट लैटिस की बात कर रहे हैं। ये अब तक हमने जितने भी लैटिसेस पढ़े वो डायरेक्ट लैटिसेस थे, वो रियल लैटिसेस थे, और ये यूनिट सेल भी डायरेक्ट लैटिस की है। तो ये दो पैरेलल प्लेन है, इसकी स्पेसिंग कितनी है? डी
HKL, ओके। वैसे ही ये दो ऊपर के येलो कलर के ये प्लेन्स भी पैरेलल प्लेन है, इनकी भी कोई ना कोई इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी, ओके। तो डायरेक्ट लैटिसेस में प्लेन की क्या होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, और वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है D, उसको हम डी एच के एल भी लिख सकते हैं। एच के एल मतलब मिलर इंडाइसेस, मिलर इंडाइसेस मतलब नामकरण, प्लेन का नामकरण, प्लेन को डिजिग्नेट करने के लिए मिलर इंडाइसेस का यूज करते हैं, प्लेन का नाम देने के लिए मिलर इंडाइसेस का यूज करते हैं, प्लेन के ओरिएंटेशन के लिए मिलर इंडाइसेस का यूज करते हैं। तो ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेन है, उसके बीच की स्पेसिंग है DHKL, ये दो ऊपर के भी पैरेलल प्लेन है, उसके भी बीच की स्पेसिंग कुछ ना कुछ होगी। तो ये हो गया डायरेक्ट लैटिस, ओके। अब ये डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस में क्या डिफरेंस है, एक सिंपल डिफरेंस बता रहा हूं। डायरेक्ट लैटिस में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है DHKL, और रेसिप्रोकल लैटिस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है 1/DHKL, उसका रेसिप्रोकल, ओके। तो किसी ने पूछा कि डी स्पेसिंग, डायरेक्ट लैटिस की डी स्पेसिंग मतलब डी, और रेसिप्रोकल लैटिस की डी स्पेसिंग मतलब 1/D, इसका इसलिए उसको रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होता है, डी का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/D, DHKL का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/DHKL, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस का इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होता है 1/DHKL, ओके। अगर मान लो डायरेक्ट लैटिस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग 2 होगी तो रेसिप्रोकल लैटिस में क्या होगी 1/2, इट मींस 0.5। अगर डायरेक्ट लैटिसेस में 1/3 होगी इंटरप्लेनर, डायरेक्ट लैटिसेस में अगर 3 होगी, 3 एमस्ट्रॉन्ग होगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो रेसिप्रोकल लैटिस में कितनी होगी 1/3, मतलब 0.33, इस तरीके से। सो DHKL इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ डायरेक्ट लैटिस, बट 1/DHKL इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ओके। सो आप देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस बनता कैसे है, रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे बनता है, वो देखेंगे अभी हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। सो रेसिप्रोकल लैटिस बनता किससे है, डायरेक्ट लैटिस से ही बनता है, ओके। जैसे मैंने बोला टू क्या है, एक डायरेक्ट नंबर है, और टू का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 किससे बना, 2 से ही बना। अगर मान लो 3 मैंने बोल दिया, तो 3 इज डायरेक्ट नंबर, 3 इज डायरेक्ट नंबर, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो 1/3 किससे बना, 3 से बना, ओके। सो उसी तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस भी डायरेक्ट लैटिस से ही बनता है। अगर मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट लैटिस की स्पेसिंग डी है, DHKL है, तो रेसिप्रोकल लैटिस की स्पेसिंग क्या होगी, 1/DHKL, मींस डायरेक्ट लैटिस से ही रेसिप्रोकल लैटिस बनता है। सो कैसे बनता है वो देखेंगे हम, देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस बनता कैसे है। ये सपोज करो कंस्ट्रक्शन, ये सपोज करो डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल है, ये डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल है, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट और रियल लैटिस, ये डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे एटम्स होंगे, ठीक है, वो मैं एटम्स लेबल नहीं कर रहा हूं। तो ये डायरेक्ट लैटिस की यूनिट सेल है, ओके। तो क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट ले लेंगे एज अ ओरिजिन करके, ये एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया मैंने येलो कलर का, ये एक मैंने आर्बिटरी पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट आई विल यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट और यूज एज अ ओरिजिन, मैं इसको क्या करूंगा, एज अ ओरिजिन और एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करूंगा। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक ओरिजिन ले लिया, ये जो दिख रहा है डब्बा, दैट इज द यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। अब मैं बनाऊंगा इसका रेसिप्रोकल लैटिस, कैसे बनेंगे, बनेगा रेसिप्रोकल लैटिस, सबसे पहले एक रेफरेंस ओरिजिन कंसीडर करो, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करो, ओके। दैट रेफरेंस पॉइंट, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक एज अ ओरिजिन कंसीडर करो, ओके। उस ओरिजिन से फिर क्या करो, तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कैसे, जहां पे भी पैरेलल प्लेन है उसके सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करो। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैरेलल प्लेन, अभी मैंने बताया था ये दो जो ब्लू कलर में दिख रहा है HKL HKL, ये पैरेलल प्लेन है, तो यहां पे ये वाला प्लेन, ठीक है, ये और ये वाला प्लेन, ये दो वर्टिकल प्लेन्स हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस तरीके से। सो ये जो पैरेलल प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और ये ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, डायरेक्ट लैटिसेस में, तो बहुत सारे जितने भी पैरेलल प्लेन्स है एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट होने वाले, उस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ये देखो जो मैंने येलो कलर का नॉर्मल ड्रॉ किया, ओके, येलो कलर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और
इतना ध्यान रखना है कि जो तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितना, उसका जो डिस्टेंस है, जो नॉर्मल की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1/dhkl. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर उसकी लेंथ 1/dhkl है तो ही तुम उससे रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, और यू हैव टू टेक इन योर माइंड the length of that normal should be the reciprocal of d spacing. So यहाँ पे क्या था, दोनों plane का distance कितना था, dhkl, और reciprocal बनाते वक्त एक reference origin लिया, वहां से एक perpendicular draw किया, उसकी length कितनी होनी चाहिए, 1/dhkl. उसकी length कितनी होनी चाहिए, 1/dhkl. ओके, तो उसकी लेंथ होगी 1/dhkl, इसीलिए उसको रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं, डी स्पेसिंग का रेसिप्रोकल. ओके, सो रेसिप्रोकल लैटिस कंस्ट्रक्ट करते वक्त बीच में एक ओरिजिन लिया, वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो होगी 1/dhkl, और जहां पे नॉर्मल खत्म होगा यहां पे मैं एक लैटिस पॉइंट रख दूंगा. ओके, यहां पे नॉर्मल खत्म, ये ओरिजिन है, येलो वाला ओरिजिन है, ये लैटिस पॉइंट नहीं है. और जहां पे नॉर्मल खत्म हुआ वहां पे, जहां नॉर्मल एंड हो रहा है, वेयर द नॉर्मल एंड्स, देयर आई हैव टू कीप, आई हैव टू प्लेस वन लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट मतलब वहां पे एटम की पोजीशन फिक्स होगी, जहां पे नॉर्मल एंड होगा वहां पे मैंने लैटिस पॉइंट प्लेस किया, मतलब वहां एटम की पोजीशन होगी. ठीक है, सो यहां पे मैंने एक ओरिजिन लिया, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल, और यहां पे एक लैटिस पॉइंट प्लेस किया. उसी तरीके से ये तो हो गया ये वाला वर्टिकल प्लेन वाला सेट. अभी हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन वाले सेट के साथ यहां पे भी एक प्लेन है, ऊपर और नीचे भी प्लेन है, जैसे येलो वाले प्लेन है, तो ओरिजिन वही रहेगा, ओरिजिन वही रहेगा, और नॉर्मल मैं अभी ऊपर ड्रॉ कर दूंगा. इस तरीके से मैं अभी ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया क्योंकि ये ऊपर वाले प्लेन के लिए किया, और जहां पे मेरा नॉर्मल एंड, इस नॉर्मल की भी लेंथ कितनी होगी, 1/dhkl, और जहां पे मेरा नॉर्मल खत्म हो रहा है वहां पे मैं एक लैटिस पॉइंट रखूंगा. इस तरीके से अभी ये दो जो लैटिस पॉइंट्स है, ये दो जो लैटिस पॉइंट्स है, दीज टू लैटिस पॉइंट्स आर फॉर टू पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स, एक वर्टिकल सेट ऑफ प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ प्लेन्स के लिए हो गया. और ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ प्लेन्स होंगे, तो जितने भी सेट ऑफ प्लेन्स हमारे डायरेक्ट लैटिस में प्रेजेंट है, सारे सेट ऑफ प्लेन्स पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, और नॉर्मल के एंड पे क्या रखूंगा, लैटिस पॉइंट्स रखूंगा, और जितने भी लैटिस पॉइंट्स नॉर्मल के एंड पे मिलेंगे उसको कलेक्ट कर लूंगा और उसको ज्वाइन करूंगा, और उसको ज्वाइन करने के बाद मिलेगा हमको रेसिप्रोकल लैटिस. मतलब ओरिजिन लो, नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कहां ड्रॉ करना है, जितने भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है उस पे, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल के एंड पे हमको लैटिस पॉइंट रखना है, और जितने भी नॉर्मल होगा, अगर मान लो पांच नॉर्मल ड्रॉ किए तो पांच लैटिस पॉइंट्स एंड पे रख दिए, और पांचों लैटिस पॉइंट्स को मैं कलेक्ट कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा, तो बनेगा मेरा रेसिप्रोकल लैटिस. और ध्यान रखना है कि नॉर्मल की लेंथ should be reciprocal of interplanar spacing of direct lattice. Direct lattice की interplanar spacing कितनी थी, dhkl. So यहाँ पे normal की length कितनी होगी, 1/dhkl. वैसे ही vertical plane के लिए अगर मान लो कोई length होगी dhkl या फिर कोई दूसरी, तो उसका भी reciprocal होगा ये वाला. ठीक है, तो नॉर्मल की लेंथ हमेशा रेसिप्रोकल होगी डी स्पेसिंग की. इसका मतलब मान लो कि ये दो प्लेन्स डायरेक्ट लैटिसेस में हैं, तो यहां पे जो यहां पे जो लैटिस पॉइंट रहेगा उसका लैटिस पॉइंट हमको यहां मिलेगा इस नॉर्मल पे, और वर्टिकल प्लेन्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के लिए यहां लैटिस पॉइंट्स मिलेगा. तो जितने भी लैटिस पॉइंट नॉर्मल के एंड पे मिले उसको मैं कलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगा, तो वो बनता है रेसिप्रोकल लैटिस. इसका मतलब हर डायरेक्ट लैटिस को हम रेसिप्रोकल लैटिस बना सकते हैं, और बनाने के लिए हमको एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, ओरिजिन लेने के बाद हमको उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जितने भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एंड पे लैटिस पॉइंट रखना पड़ेगा, और जितने भी एंड पे हम लैटिस पॉइंट्स रखेंगे उसको ज्वाइन करके कलेक्ट करके रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा. ओके, सो इस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है, कंस्ट्रक्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा आने वाले एक दो स्लाइड्स में. ओके, सो ये रेसिप्रोकल अभी मैं शुरुआत में शुरू किया, मैं स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड विद रेसिप्रोकल लैटिस. सो द क्वेश्चन कम इनटू योर माइंड, व्हाई देयर इज नीड टू
स्टडी द रेसिप्रोकल लैटिस, डायरेक्ट लैटिसेस इतने सारे हमने स्टडी किए, सेवन क्रिस्टल सिस्टम, इतने सारे यूनिट सेल स्टडी किए। अब रेसिप्रोकल लैटिस को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड टू स्टडी दैट रेसिप्रोकल लैटिस, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ये आपको पता चाहिए ना, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए कि रेसिप्रोकल लैटिस की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं। ओके, देर आर मेनी डायरेक्ट लैटिसेस, व्हाई देर इज नीड टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिप्रोकल लैटिस एंड व्हाई देर इज नीड टू स्टडी द रेसिप्रोकल लैटिस। तो याद रखो कि क्या होता है कि डायरेक्ट लैटिसेस में बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, तो बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अगर प्लेन के बीच की डी स्पेसिंग निकालना है, प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे को एल्यूमिनेट करते हैं, एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और ब्रैग लॉ से हम डी स्पेसिंग निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन यह है कि इतने सारे क्रिस्टल में इतने सारे मेनी सेट ऑफ डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स होते हैं और ये सारे के सारे प्लेन्स को जो विजुअलाइज करना डायरेक्ट लैटिस में या डायरेक्ट स्पेस में बहुत ही डिफिकल्ट है। इन क्रिस्टल देयर आर मेनी सेट ऑफ प्लेन्स, many set of parallel planes, many set of different parallel planes, and the visualization of these planes are very difficult. And the visualization of these planes is very difficult in direct lattice. अब क्यों difficult है? एक example दे रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि crystal में, direct crystal में बहुत सारे planes होते हैं और सारे planes को एक साथ visualize करना, भले ही तुम X-ray incident कर रहे हो, लेकिन एक साथ सारे planes को visualize करना, सारे planes की deep spacing निकालना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है डायरेक्ट लैटिसेस में, क्यों? अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो दो पैरेलल प्लेन्स हैं, ओके, टू सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, ओके, और दोनों की स्पेसिंग मान लो 5 एंगस्ट्रॉम है, ओके, अगर मान लो उसका रेसिप्रोकल किया 5 का तो कितना होगा, 1/5, मतलब 0.2। अब मुझे बताओ 0.2 एंगस्ट्रॉम की स्पेसिंग को विजुअलाइज करना इजी है कि 5 को, 5 तो ज्यादा है ना, और ज्यादा डिस्टेंस रहा तो, इतना ज्यादा डिस्टेंस रहा तो इतने सारे सेट ऑफ प्लेन्स रहेंगे, इतना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, उसका डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि हमारी दो प्लेन की स्पेसिंग 5 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल लैटिस में कितनी हो जाएगी, 1/5, मतलब 0.2 एंगस्ट्रॉम। तो 0.2 एंगस्ट्रॉम की स्पेसिंग को देखना, मतलब विजुअलाइज करना, क्योंकि प्लेन तो पास पास में, मतलब प्लेन के बीच की स्पेसिंग कम हो गई, तो कम वाली चीजों को देख सकते हैं। अगर एकदम ब्रॉड हो गए तो रेंज के बाहर चली जाएंगी, और रेंज के बाहर चली जाए तो चले गए तो उस स्पेसिंग को विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देर आर मेनी सेट ऑफ डिफरेंट प्लेन्स एंड द विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल दिस प्लेन्स इज वेरी डिफिकल्ट इन डायरेक्ट लैटिस। इफ वी डू द रेसिप्रोकल ऑफ इट देन वी कैन इजिली विजुअलाइज, बिकॉज रेसिप्रोकल का वैल्यू कम होता है। अगर 5 का रेसिप्रोकल बोला तो 0.2 आएगा, 5 की स्पेसिंग को विजुअलाइज करना इजी है कि 0.2 को, क्योंकि वो रेंज के अंदर है, 5 रेंज के बाहर है, ठीक है। तो इसलिए रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, इट इज इजी टू विजुअलाइज ऑल द प्लेन्स एंड देयर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं डायरेक्ट लैटिसेस में, इतने सारे पैरेलल प्लेन्स को विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके बताया, स्पेसिंग अगर 5 एंगस्ट्रॉम है तो वो रेंज के बाहर जाएगी, लेकिन 1/5 कर दिया, इसका मतलब आंसर आएगा 0.2 एंगस्ट्रॉम, तो उसको हम विजुअलाइज कर सकते। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस। ओके, अभी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मैंने डायरेक्ट ओरली बताया, अभी लिखना कैसे है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया था मैंने, एक ओरिजिन लिया था, टेक एनी आर्बिटरी पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस एज अ ओरिजिन। ओके, ये मैंने सब कुछ बताया था कंस्ट्रक्शन करते हो, ये मैंने सिर्फ अभी शब्दों में लिखा है, यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखा है स्टेप्स। तो स्टेप्स कैसे लिखनी है, टेक एनी आर्बिटरी पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस एज अ ओरिजिन। ओरिजिन लेने के बाद क्या करना है, फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ नॉर्मल टू द एवरी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स प्रेजेंट इन द डायरेक्ट लैटिस। नॉर्मल ड्रॉ करो, पहले एक ओरिजिन लो, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल शुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल की लेंथ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। देन
प्लेस लैटिस पॉइंट एट द एंड ऑफ द नॉर्मल, एंड ऑफ द नॉर्मल मतलब नॉर्मल के एंड में उसको लैटिस पॉइंट रखो, देन कलेक्शन ऑफ सच लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस। तो ये जो चार स्टेप है मैंने ओरली बताया था, अब मैंने स्लाइड पे लिख के बताया, इसको रीड करो और रीड करके समझो। पहले ओरिजिन लेना है, टेक एनी आर्बिटरी पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस एज ओरिजिन, देन ओरिजिन लेने के बाद नॉर्मल ड्रॉ करना है, ओके, टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट इन द डायरेक्ट लैटिस फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट इन द डायरेक्ट लैटिस, देन लेंथ ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, लेंथ ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, देन यू हैव टू प्लेस द लैटिस पॉइंट एट द एंड ऑफ नॉर्मल एंड collection of all the lattice point at the end of normals they form a lattice reciprocal, they formed a reciprocal lattice। इस तरीके से construction के चार steps है, इसको ध्यान में रखना है। okay, तो ये हो गया construction। तो हमने पढ़ा कि reciprocal lattice का importance क्या है, reciprocal lattice होता क्या है और reciprocal lattice का construction। अब हम देखेंगे कि reciprocal lattice की properties क्या होती है, properties of reciprocal lattice। तो पहली property क्या है, direct lattice is the reciprocal lattice to its own reciprocal lattice। ये बहुत complicated sentence है, direct lattice is the reciprocal of reciprocal lattice to its own reciprocal lattice। मतलब इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, वन टू, ओके, टू टू का reciprocal वन बाय टू, 1 by 2 का reciprocal फिर से 2, इसका मतलब 2 is the reciprocal of reciprocal of 2, मतलब 2 क्या है, एक नंबर है, उसका reciprocal 1 by 2 है और 1 by 2 का reciprocal फिर से 2 है, ओके। तो उसी तरीके से डायरेक्ट lattice है, तो डायरेक्ट lattice का reciprocal lattice reciprocal lattice और ऊपर से reciprocal lattice का reciprocal lattice फिर से डायरेक्ट lattice, ओके, समझ में आया, 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2, 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल फिर से 2। उसी तरीके से डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस, मतलब डायरेक्ट लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस का फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो डायरेक्ट लैटिस, ओके। सो डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस, इट मींस दैट 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल फिर से 2 होता है। उसी तरीके से डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस, ओके। सेकंड पॉइंट याद रखना है प्रॉपर्टीज की, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। मींस रेसिप्रोकल लैटिस हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसके यूनिट सेल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल से। इसका मतलब अगर मान लो v1 अगर वॉल्यूम है डायरेक्ट लैटिस का तो 1/v1 वॉल्यूम होगा यूनिट सेल के रेसिप्रोकल लैटिस का। अगर मान लो v1 वॉल्यूम है यूनिट सेल के डायरेक्ट लैटिस का, इफ सपोज v1 इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस, सो 1/v1 इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। सो रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट सेल का वॉल्यूम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस से। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस करस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन डायरेक्ट लैटिस। मींस क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस में पैरेलल प्लेन्स होता है तो वही पैरेलल प्लेन से हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, उसके और एक लैटिस पॉइंट रखते हैं। सो रेसिप्रोकल लैटिस में जितने भी लैटिस पॉइंट्स होंगे वो करस्पॉन्ड करेंगे पैरेलल प्लेन्स इन डायरेक्ट लैटिस। इट मींस दैट ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस करस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस में जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे सेट, उसका करस्पॉन्डिंग लैटिस पॉइंट होगा वो रेसिप्रोकल लैटिस में रहेगा। ईच पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस, ओके, वेरी इजी। और चौथा जो पॉइंट है, प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर मैंने बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब जिसके कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट, अंदर कुछ नहीं होता, उसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक के तीन लैटिसेस हमने पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। तो रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो सिंपल क्यूबिक ही आएगा। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक, बट बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होगा या फिर एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होगा, ओके। बट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब सिंपल क्यूबिक का हम रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं तो वो सिंपल क्यूबिक ही मिलेगा,
लेकिन अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का हम रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं तो हमको फेस सेंटर्ड क्यूबिक मिलेगा, और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं तो हमको बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, मतलब बीसीसी एंड एफसीसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बट एससी मीन सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक, बट बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी और एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी, इट मींस बीसीसी एंड एफसीसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, बीसीसी मतलब कॉर्नर पे एटम होंगे और बॉडी सेंटर पे एटम होगा, एफसीसी मतलब कॉर्नर पे और ईच फेस के सेंटर पे एटम होगा। अगर बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं तो हमको एफसीसी मिलेगा, एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस बनाते हैं तो हमको बीसीसी मिलेगा। तो याद रखना है सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक ही होता है, बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होता है और एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होता है। तो ये हमने आज पढ़ा रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस को बनाते कैसे है कंस्ट्रक्शन, और साथ में हमने देखा कि रेसिप्रोकल लैटिस को हम स्टडी क्यों करते हैं। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो से तुमको समझ में आएगा कि डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस में क्या डिफरेंस है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ये वीडियो देखो, इस वीडियो से तुमको समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल लैटिस और डायरेक्ट लैटिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं दिखाऊंगा। ओके, आई एम शोइंग यू वन वीडियो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियो दिख रहा है? ओके, सो ये देखो, ये एक्सरे आ रही है, ये जो पॉइंट्स है डायरेक्ट लैटिस के, ये जो रेड पॉइंट्स है दे आर डायरेक्ट लैटिसेस। ओके, और ये जो ब्लैक दिख रहा है, इस ब्लैक पे इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा। देखो यहां पे स्पेसिंग कम है तो रेसिप्रोकल लैटिस में स्पेसिंग ज्यादा दिख रही है, अगर यहां ज्यादा स्पेसिंग होगी तो वहां कम दिखेगी। तो ये है डायरेक्ट लैटिस और ये जो ब्लैक पे है वो रेसिप्रोकल लैटिस। अगर स्पेसिंग बढ़ा दिया तो यहां पे देखो रेसिप्रोकल में बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए, स्पेसिंग कम हो गई। स्पेसिंग कम किया तो रेसिप्रोकल लैटिस में स्पेसिंग ज्यादा हो गई। ओके, ज्यादा किया तो यहां कम हो गई, तो ब्लैक वाला अब देखो बीच में अगर कोई एटम्स रख दिया तो उसके भी स्पॉट्स यहां पे ब्राइटर स्पॉट्स भी यहां पे दिखेंगे हमको रेसिप्रोकल। जितने एटम्स होंगे, जितने एटॉमिक प्लेन्स होंगे, उतना सब कुछ हमको यहां पे ब्लैक एज अ रेसिप्रोकल में दिखेगा। ये डायरेक्ट लैटिस है, ये है रेसिप्रोकल लैटिस है, इस तरीके से। यहां स्पेसिंग ज्यादा है तो यहां स्पेसिंग कम दिख रही है। अगर मान लो हमारे एटम्स रैंडम हो गए, एकदम रैंडम, तो रेसिप्रोकल लैटिस कैसा दिखेगा, सर्कल की तरह दिखेगा। अगर एटम अरेंज ही नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन, तो इस तरीके से। तो ये था एक वीडियो जिसमें डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस का किस तरीके से डिफरेंस था। ओके, किसी भी डायरेक्ट लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस हम बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा रेसिप्रोकल लैटिस का खत्म हुआ। इतने